प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शंकर आध्ये को देर रात किया गिरफ्तार। कल राशन घोटाले मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल को फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। सम्मेलन का दूसरा दिन आज। इसरो आज अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को अंतिम कक्षा में करेगा स्थापित। लैग्रेंज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से करेगा सूर्य का अध्ययन। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका, चुनाव का करेंगे निरीक्षण। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। घने कोहरे से ट्रेन व विमान सेवाओं पर पड़ा असर। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्ये को गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय टीएमसी नेता शंकर को गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित ईडी मुख्यालय ले आई है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम ने कल आध्ये को ससुराल में छापा मारा था। वे पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी की एक टीम कल बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्ये की ससुराल पहुंची थी। वहीं दूसरी टीम संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर पहुंची थी। ईडी ने कल सुबह करीब 7:30 बजे बनगांव के शिमुलतला स्थित शंकर आध्ये के ससुराल में तलाशी शुरू की और 17 घंटे के बाद वहां से निकली। फिर देर रात 1 बजे शंकर आध्ये को गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आध्ये को ले जाते समय केंद्रीय बलों और ईडी टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं कल शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी टीम पर हमला हुआ था। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हो गए थे। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि ये पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। पिछला 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल पूरे घोटालों का रहा है। एक एक करके सभी घोटालों पर जांच बैठाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है।
सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में रोड शो करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 2 से JP नड्डा का रोड शो शुरू होगा। रोड शो सेक्टर 7, 8, 9, 10 और 11 के अलावा विभिन्न सेक्टरों से होते हुए बेला वेस्टा चौक पहुंचेगा। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष नड्डा PWD सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन और अधिक मजबूत करने तथा भारी बहुमत से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के मंत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर जाएंगे। वे विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत के पहले मिशन आदित्य L1 को आज अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के इच्छुक शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। आदित्य L1 लैग्रेंज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। लैग्रेंज बिंदु L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और आदित्य ने 2 सितंबर से ये दूरी तय की है और लगातार सूर्य का अध्ययन करने के मिशन के लिए इस प्रभामंडल कक्षा में तैनात किया जाएगा। L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी है, तो ये आज शाम को 5 बजे इसरो द्वारा उसका जो हेलो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में वो उसको स्थित करने वाले हैं और आज के बाद फिर सतत 5 वर्ष यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत के दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। रमन साइंस सेंटर के अधिकारी चारुदत्त पुलिवर ने आदित्य मिशन से होने वाले फायदे के बारे में बताया। अनेकों माध्यमों से हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ते रहता है, तो ये इस माध्यम से या आदित्य L1 ये जो स्पेस प्रोब है, सोलर प्रोब है, उसके माध्यम से हमें सतत उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और सूर्य की वजह से पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी बारीक जानकारी हमें पता चलेगी, ताकि भविष्य के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम पहले ही भाप पाएंगे। और राजस्थान में मंत्रियों के शपथ के 6 दिन बाद सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मदन दिलावर ने राज्य के शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। वहीं राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा ने सचिवालय में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योजना का लाभ वंचितों को मिले। कि जो बहुत वंचित लोग हैं, जो आज भी हम क्षेत्र में जाते हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी यही समस्या है कि जो वंचित हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत NFSA के तहत लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों तक कई जगह अनेक स्थानों पर नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से लाभ मिले, ये मेरा सर्वाधिक प्रयास इस क्षेत्र का रहेगा। और बहुत सी उचित मूल्य की दुकानें जहाँ खुलनी चाहिए, जहाँ पर आमजन को ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके, ये भी मेरा प्रयास रहेगा।
और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज न्यू टाउन कोलकाता में पटसन भवन का उद्घाटन किया। पटसन भवन में जूट आयुक्त का कार्यालय और भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री चाय बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह शाम के अलावा रात का पारा काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों, वायुसेना के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे हालात कुछ दिन और रहेंगे। उत्तर भारत समेत श्रीनगर में तापमान में गिरावट के बाद जिले में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील की ऊपरी परत पर बर्फ की एक पतली चादर बन गई है। कश्मीर घाटी में चिल्लाए कला की स्थिति बनी हुई है। चिल्लाए कला 40 दिनों की लंबी चरम सर्दियों की अवधि है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है, सच संवर चुकी है। इस बदली अयोध्या का श्रेय लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को दे रहे हैं। सीताराम जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय हनुमान। पांच साल पहले आते लगा था कि अयोध्या गरीब है, हाँ अभी तो एकदम धनी हो गई है। हाँ वो स्वर्ग बना दे रहे हैं। अच्छा एकदम भव्य भी बदल गया है। अच्छा। काशी से भी उत्तरी लग रहा है कि अलग। हम लोग भी सुना राम राज आएगा, तो वो राम राज दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगे, अब अयोध्या नंबर एक पर रही। परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन तो बहुत दिख रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें बनी है, सुविधा भी बढ़ गई है, पहले से सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। जय श्री राम। गरुआ भगवा लाल के, मोदी जी कमाल के, भगवान मोदी योगी को हम लोगों की उम्र लग जाए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जन्म भूमि ले हम हाँ। लोग का जन्म हुआ है हाँ। हम लोग का जिंदगी धन्य हो गया है। पुरानी अयोध्या खत्म हो गई 90 के बाद से हाँ। नई अयोध्या आ गई है। जय जय श्री राम, हो गया सब काम। मेरे स्वामी मेरे दाता, भक्तों को रखे वाला। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पुस्तिका में श्री राम की जन्मभूमि की यात्रा की गाथा का वर्णन किया गया है। पुस्तिका की शुरुआत में विराजमान भगवान श्री राम और उनकी जन्मभूमि की भव्य तस्वीर देखते बनती है। विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 4000 से भी ज्यादा साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। प्रतिष्ठा होने जा रही, भगवान श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, इस निमित्त अयोध्या के पूज्य संत हों या देश के लगभग 4000 संतों तक
उसके अलावा 3000 ऐसे जो बंधु बांधव हैं उनको भी निमंत्रित करने का कार्य जो है किया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जन की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल पा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में बड़ी संख्या में लोग प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। देखिए जोधपुर से एक रिपोर्ट। ये नज़ारा है जोधपुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क में लगाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का, जहां बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का एक ही छत के नीचे फायदा मिल पा रहा है। यहां आई लाभार्थी सारिका ने बताया कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा मिलने के कारण अब उसे चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सारिका ने मोदी सरकार का आभार भी जताया। मेरे को अब तो हाथ उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाती थी और अब मोदी जी की वजह से गैस पे खाना बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस एजेंसी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस शिविर में आई महिलाओं का सिलाई मशीन के लिए भी लोन स्वीकृत हुआ है। लोन मिलने के कारण वो काफी खुश नजर आई और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। सिलाई का कार्य करती हूँ और मोदी जी से 10,000 का लोन उठाया उससे मैं अच्छा धंधा कर लेती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आई फिरदौस कासिम ने बताया कि वह एक महिला समूह चलाती हैं। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए आवेदन किया था जो इस कैंप में स्वीकृत हुआ है। हमारे सहायता समूह को नगर निगम उत्तर द्वारा जो कार्य दिया गया स्वच्छ भारत अभियान में कैरी बैग का, तो उसका हमारे समूह के पास पैसा नहीं था। 50% हमें पहले राशि दी गई काम करने के लिए, 25,000 माल हमने जमा कराया, अब पूरा 50,000 हमने पूरा माल जमा करा दिया। इस कैंप में हमारी महिलाओं को 10,000 की जो लोनिंग हुई है वो दोबारा 20,000 की हो रही है, तो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और आगे वो अपना काम बढ़ा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी साहब को भी कि ऐसी स्कीमें चलती रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप असल मायनों में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। केंद्र की प्रमुख योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत का एयरलाइन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरलाइन क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगभग 6.97% की वृद्धि हुई है। ये उस स्तर पर बढ़ता रहेगा क्योंकि ये जीडीपी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार की एयरलाइन क्षेत्र की बदलती नीति के बारे में, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत
भारत में एयरलाइन क्षेत्र दुनिया की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है। देश का संपूर्ण विमानन उद्योग आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा है। पिछले 12 महीनों में 4 नए हवाई अड्डे और 4 नए टर्मिनल खोले गए हैं। इससे भारत में 149 परिचालन नागरिक हवाई अड्डे हो गए हैं, जो एक दशक पहले की संख्या से दोगुना है। वहीं इसी तरह 9 अतिरिक्त हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है और कई अन्य की योजना बनाई गई है। दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर जेवर में राजधानी के लिए दूसरा हवाई अड्डा भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। सरकार ने 2040 तक 15 दोहरे हवाई अड्डे वाले शहरों की परिकल्पना की है। मात्र 100 वर्ष पहले की स्थिति अगर हम देखें तो भारत में उड़ान सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भी संभव नहीं थी। लेकिन इन 100 वर्षों का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि विमानन संस्थाएं और भारतीय अगर वायुसेना की दृष्टि से देखें तो इतनी तीव्र गति से विकसित हुआ है कि इस पर विश्वास ही नहीं होता। कहाँ 100 वर्ष पूर्व एक हवाई अड्डा था, आज कहाँ 148 हवाई अड्डे हैं। और ये हवाई अड्डे प्रथम कोटि के शहरों में नहीं, कलकत्ता, मुंबई, बंगलौर नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहर जैसे कुशीनगर, जैसे अयोध्या, इन स्थानों पर स्थापित हो गए हैं। बात करें तो घरेलू यात्री संख्या की तो 2012-13 में 98 मिलियन थी, जो 2019-20 में बढ़कर 202 मिलियन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत पहले से ही मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, लेकिन 2026 तक इसके कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने का अनुमान है। वहीं भारत सरकार एयरलाइन क्षेत्र को दुबई की तरह एविएशन हब बनाना चाहती है। निश्चित ही भारत में भारतीय विमानन नीति के माध्यम से ये सपना एक दिन जरूर पूरा संभव होगा, जब भारत में निम्न मध्यम वर्ग के नागरिक भी आराम से हवाई यात्राएं करेंगे। हमारी हवाई यात्राओं के संदर्भ में जो नई नीति 2016 में घोषित की गई है, उसके तहत यह निश्चित किया गया है कि भारत में दुर्घटनाएं कम से कम हो, यात्राएं बहुत सुविधाजनक हों। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा विमानन अड्डा है इंदिरा गांधी टर्मिनस, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ हर 3 मिनट में एक हवाई जहाज उड़ता है। इस गति से तो रेलवे भी अपनी गति नहीं चला पाता। नए हवाई अड्डे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा व्यापक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का हिस्सा हैं, जिससे भारत की 6% से अधिक वार्षिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करने में मदद पहुंचने की उम्मीद है। एक पत्रिका परिवहन समीक्षा में छपे एक आलेख के अनुसार विमानन में वृद्धि से विकास को बढ़ावा मिलता है और भारत एक विशाल देश है जहां सड़क और रेल संपर्क और दूर दूर तक फैले औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। 1990 के दशक में जब देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया तब निजी एयरलाइनों का प्रसार हुआ। अधिकांश जिनमें आधे भूले बिसरे नाम जैसे कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस शामिल हैं, दशक के अंत तक बंद हो गए थे। 2000 के दशक में एक बड़ा बूम आया जिसके बाद व्यापक मंदी आई, जिसे किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और अन्य को भुगतान करना पड़ा। वर्तमान समय पर बूम अधिक टिकाऊ दिख रहा है। इसके 2 कारण हैं। एयरलाइन क्षेत्र को मिल रही नई दिशा। पहला कारण, इसके लिए भरपूर सरकारी समर्थन है। मोदी प्रशासन पुराने हवाई अड्डों का निजीकरण करने के साथ साथ नए हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। इसके पुनर्गठन और एयर इंडिया की बिक्री ने घाटे में चल रही कंपनी को राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में मदद की है। टाटा प्रबंधन के तहत एयरलाइन के पास ऑर्डर पर 470 नए विमान हैं, जबकि अन्य 370 का विकल्प भी है। सरकार ने इस शर्त में भी ढील दी है कि नए एयरलाइनों को विदेश में संचालन की अनुमति देने से पहले 5 साल तक उड़ान भरनी होगी। सरकारी सब्सिडी प्राप्त क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने छोटे शहरों के लिए हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया है। दूसरा कारण, बढ़ती मांग है। एयर इंडिया के प्रमुख कैंबेल विल्सन कहते हैं, हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वहीं एयरलाइन इंडिगो ने 500 नए विमानों का ऑर्डर दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। पिछले साल ही परिचालन शुरू करने वाली आकाशा के पास ऑर्डर पर 56 विमान है और साल के अंत तक कम से कम 100 अन्य विमान बुक करने की योजना है। आने वाले समय में एयरलाइन क्षेत्र में काफी रोजगार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अजय सिंह परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बांग्लादेश में कल राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव होगा। गणतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों की भागीदारी के से राजनीतिक पार्टियों की कुल संख्या अब 28 हो गई है। 70 पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। Some of the foundations have been laid. Therefore, I think
with good results in the elections, upcoming elections, both in Bangladesh and subsequently in India. These various connectivity-related projects will further be strengthened, and therefore the economic relationship between the two countries, which has also flourished in recent times in terms of higher volumes of trade from both sides. और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भामरी और उनके जोड़ीदार रॉबिन हासी की जोड़ी को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। यूकी और रॉबिन की जोड़ी का इंग्लैंड के लाइड ग्लासपूल और नीदरलैंड की जीन जूलियन रोजर की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन लॉयड और जूलियन की जोड़ी ने मैच को 6-3, 6-7, 11-9 से अपने नाम किया। डेविड वार्नर की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करते हुए 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 299 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह से लड़खड़ा गई और वो 115 रन ही बना सकी। इस कारण मेजबान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 130 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।